हेलो, आप सभी का स्वागत है रतन क्लासेस 2.4 में। आज मैं आप लोग को वर्गमूल वर्ग और वर्गमूल का तीसरा क्लास देने जा रहा हूँ, क्योंकि मेरा छोटा वीडियो होता है, इसलिए ज़्यादा वीडियो का नंबर बड़ा होता है। ठीक है, तो ये सवाल के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास करेंगे। आइए इस टाइप पे हम लोग चर्चा करते हैं। टाइप दिया गया है रूट अंडर छ प्लस रूट अंडर छ प्लस रूट अंडर छ डॉट डॉट इंफिनाइट, ये कहाँ तक जाएगा इसका कोई मायना नहीं है। ठीक है, तो इसमें ये सवाल पूछा गया है। ठीक है, तो ऐसे सवाल को बनाने के लिए जैसे रूट छ दिया गया है, पहले बाहर इसको लिख लेते हैं छ को। ठीक है, छ को ऐसे संख्याओं में तोड़ेंगे जिसका अंतर क्या हो, एक हो। ठीक है, छ को ऐसे दो संख्याओं में तोड़ेंगे जिसका अंतर क्या हो, एक हो। जैसे मान लेते हैं तीन और दो में इसको तोड़ देते हैं, तीन दूनी कितना हो गया, छ हो गया, हो गया ना। तो ऐसे सवालों को देखिए, प्लस है ना तो बड़ा वाला आंसर हो जाएगा, और जब माइनस रहेगा तो छोटा वाला आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तो प्लस है तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, तीन हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, कैसा लगा ये आसान सा ट्रिक, जरूर कॉमेंट सेक्शन में देखे आइएगा। अब देखिए अगला सवाल है, 90 प्लस रूट अंडर 90 प्लस रूट अंडर डॉट डॉट डॉट, ये चल रहा है। ठीक है, वही सवाल है, सेम सवाल है, खाली अलग अलग डिजिट है। तो 90, तो पहले क्या करेंगे, इसको 90 को हम बाहर कर लेंगे। ठीक है, अब 90 को हम दो भागों में इस तरह तोड़ेंगे जिसका अंतर कितना हो, एक हो। ठीक है, तभी ये सवाल बनेगा। 90 को हम क्या भाग, कितने भागों में तोड़ेंगे, दो भागों में तोड़ेंगे जिसका अंतर क्या हो, एक हो। तो देखिए 9 और 10 से गुना करते हैं कितना होता है, 10 नवा 90 हो जाता है, और इसका अंतर भी क्या होगा, मेरा अंतर भी एक हो जाएगा ना। देखिए 9 और 10 में कितना अंतर, एक का अंतर है ना। हम पहले बता चुके हैं कि ऐसे सवालों को जब प्लस में रहे तो तोड़ देंगे। ठीक है, जैसे इन्फिनाइट में है, ठीक है, डॉट डॉट डॉट, तो जब रहेगा सवाल तो इसको दो भागों में ऐसे तोड़ेंगे जिसका अंतर क्या हो, एक हो। तो 9 गुना 10 90 हो गया, प्लस के लिए बड़ा वाला और माइनस के लिए छोटा वाला। ठीक है, तो हमारा आंसर कितना हो गया, 10 हो गया। इसका आंसर क्या हो गया, 10 हो गया। अब देखिए 156 है, 156 को बाहर निकालिए। ठीक है, 156 को ऐसे दो संख्याओं में तोड़ना हो जिसका अंतर क्या हो, एक हो। ठीक है, 156 दिया गया है रूट अंडर 156 माइनस रूट अंडर 156 माइनस रूट अंडर 156, 156 को हम पहले बाहर कर लेंगे। ठीक है, तो 156 को हम ऐसे दो भागों में तोड़ेंगे जिसका अंतर क्या हो, एक हो। ठीक है, तब ये सवाल बनेगा। तो 156 को हम तोड़ लेंगे 12 और 13 में। ठीक है, पहले बता चुके हैं अगर प्लस में हो तो 12 वाला आंसर होगा, और माइनस में रहेगा तो छोटा वाला आंसर होगा। तो यहाँ पर तो माइनस दिया गया, तो इसमें आंसर कितना होगा, मेरा छोटा वाला ना, तो इसका आंसर क्या हो गया, 12 हो गया दोस्तों। ठीक है, ये कैसा लगा होगा, आसान सा ट्रिक है। ठीक है, ये परीक्षाओं में, बड़े बड़े परीक्षाओं में पूछ लिए जाते हैं। जब परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं तो विद्यार्थी का हवा गर्म हो जाता है ये सवाल बनाने में। ठीक है, अगर बेसिक से बनाएंगे ना तो एक पन्ना भर जाएगा, जितना हमको रफ कॉपी करने के लिए देता है ना एग्जाम वाले, तो उससे मैं एक पन्ना में ये भर जाएगा सवाल बनाने में बेसिक से अगर बनाएंगे।